हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज व्यान आ चुका है घर पे और ब्लॉग बनाए हुए काफी दिन हो चुके हैं। व्यान लगभग आ रहा है 6-7 महीने बाद आ चुका है यहाँ पे और आज मेरा ऑफ तो रात को हम लोग व्यान को लेके आए थे रूम पे, तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। और अभी अभी व्यान उठा है और सुबह सालू गई है ड्यूटी और व्यान का अभी उठने का टाइम हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने अभी कुछ किया नहीं, सालू के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद हम लोगों ने सालू को ड्यूटी भेजा और अभी व्यान उठ चुका है जैसे। तो सुबह मैंने उसे अभी थोड़ा सा केला वगैरह खिलाया है, सुबह उसने हम लोगों के साथ नाश्ता ही किया है। उसमें सिर्फ उसे हम लोगों ने एक पनीर का टुकड़ा दिया था, बस और कुछ नहीं खाया। अभी मैं उसे केला देने वाला हूँ, केले वगैरह खाता है व्यान, तो उसके बाद पूरे दिन भर का रूटीन दिखाऊंगा, देखते हैं पूरा मजा आने वाला आज के ब्लॉग में आपको। और जैसे कि केला देते हैं व्यान, अभी चुपचाप इसलिए क्योंकि व्यान अभी उठा, तो सुबह सुबह आज हम लोगों ने जल्दी उठा दिया था, तो जल्दी उठाया नहीं एक्चुअली, मैं यहाँ पीछे खिड़की खुली है तो सुबह जो कि नहीं वैसे हम लोगों की उठ जाती है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, व्यान के 6 दांत आ चुके हैं और व्यान से जब से दांत आए हैं व्यान सब कुछ खाने की कोशिश करता है और उठा उठा के खाते, तो इसकी बहुत केयर करनी पड़ती, तो इसकी नानी ही इसको देखती है और व्यान अपनी नानी के पास ही रहता है, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, तो पूरा ध्यान व्यान का नानी रखती है उसका। खिलाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि ये जल्दी खाता नहीं है। देखो देखो खेलने में लग गया, गंदी बात है ना, खाना खाना चाहिए तेरे ना? नहीं खाना नहीं खाना व्यान को, जैसे कि मैंने केला खिलाया, इसके बाद आज मैं और व्यान दोनों के दोनों रूम पे अकेले हैं, तो उसके बाद व्यान की मालिश करूंगा और हो सकेगा तो मैं खुद ही व्यान को नहलाऊंगा और उसके बाद सालू आ जाएगी और मुझे खाना वगैरह भी सब कुछ आज बनाना है क्योंकि हम लोगों की दोनों की ड्यूटी रहती है। आज मेरा ऑफ है, सालू ड्यूटी पे है, तो सब कुछ आज मेरे को करना है और आज का जैसे कि मेरे लिए टास्क बना दिन है क्योंकि मेरे पास व्यान भी है और इसकी नानी पता नहीं कैसे काम करती है इसको लेके, और नानी को तो बहुत परेशान करता है ना व्यान। एक बार बोला आजा 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 ओए यार, पकड़ प्यार करने लगता है, ऐसा करके गले मिल जाता है व्यान। निशाना
जाना सही नहीं है बेटा, जाना चाहिए नहीं है मरने के लिए। ज्ञान को देखो किस तरीके से अपने को देख रहा हूँ शीशे में, देखो फिर मुझे देख रहा हूँ। क्या हुआ ज्ञान? ज्ञान ज्ञान क्या हुआ बेटू? ज्ञान क्या हुआ? गुस्सा कर दे, गुस्सा कर दे, गुस्सा कर, गुस्सा कर दे। कैसे देखता है? ओए ओए गुस्सा कर दे ज्ञान, गुस्सा कर दे, कर दे। तेरी मालिश करूंगा, फिर मालिश करूंगा तेरी मालिश। ज्ञान ज्ञान क्या हो गया, क्या हो गया? पता नहीं क्या सोच में डूब गया यार। सीसी की तरफ देख रहा है पहले, फिर मेरे को देख रहा हूँ वहां से। कुछ तो चल रहा है व्यान के दिमाग में, क्या चल रहा होगा? है व्यान 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 देख रहा हो? दूसरा व्यान कहाँ से आ गया? तो वहां से कैसे कर रहे हैं मैन? सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा कर ले। आज जल्दी उठ गया तो ध्यान, तो मुझे लग रहा नींद आ रही है अभी भी। नींद आ रही, नींद आ रही। सो जा, नहीं करूंगा कर। सो जा, नहीं छोड़ना। क्या हो रहा? दांत भी काट रहे, नहीं पकड़ पा रहे तो दांत भी काट रहे साथ साथ। दांत क्यों काट रहा, दांत क्यों काट रहा? दांत आके तो दांत काटेगा। वहां पे जाके शुरू हो चुका है व्यान, देखो कैसे काट रहे। अच्छा क्यों तोड़ रहा है उसे, क्यों तोड़ रहा?
आज के भी दिखा रहा करेंगे, अब करेंगे हम लोग व्यान की मालिश क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी, 12 बजने को जा रहे हैं और व्यान की अब मालिश स्टार्ट करेंगे। और ये है कोकोनट ऑयल जो कि मशीन से निकला हुआ है, रेडीमेड वाला नहीं है, जो कि वैसे वाला मार्केट में आता वाला नहीं है। रुक व्यान अब सोने वाला है, थोड़ी देर बाद व्यान को हम लोग नहलाएंगे और ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग दूसरे वाले में। तो अभी फ़िलहाल के लिए व्यान को मैं सुलाने जा